अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है द्वारका से रिटर्न जर्नी। तो अभी हम जो रोड लेने वाले हैं, जब हम आए थे तो हम जामनगर रोड से आए थे, राजकोट, जामनगर, खंबाड़िया, द्वारका, और अभी हम जाएंगे तो वो दूसरा रूट लेंगे। तो ये रूट को हम बोलते हैं कि ये पोरबंदर जाता है, तो पोरबंदर की तरफ वाला जो रूट है वो लेंगे। ये पूरे कोस्टल रूट पे आपको बहुत सारी विंडमिल्स नज़र आएगी हर जगह, पूरी कोस्टल लाइन पे। तो इससे क्या होता है कि विंड से आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है विद अ वेरी क्लीन फुटप्रिंट, और इस रीजन के लिए एनर्जी काफ़ी यूजेज ये विंडमिल से ही आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी विंडमिल्स हर जगह लगाई होगी इस पूरे एरिया में। बहुत बढ़िया कोस्टल रूट है, और ये सब जगह आप जो देख रहे हो विंडमिल्स, उसके पीछे की तरफ समुंदर है। आप एग्जैक्टली कोस्टल किनारे किनारे से आप जा रहे हो ये रोड, हर जगह पीछे यहाँ पे समुंदर ही है और बहुत सारी विंडमिल्स। ये रोड बहुत अच्छा बनाया है। से करीब 50 किलोमीटर के आसपास हम चले हैं ये पोरबंदर रूट पे, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हर्षद। ये हर्षद एक टाउन है, और यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है श्री हर्षिद्धि माता मंदिर। तो ये हर्षिद्धि माता मंदिर यानी माना जाता है कि आप यहाँ पे कुछ अगर आप कुछ मांगते हो तो वो इच्छा पूर्ति होती है, और यहाँ के आसपास के लोग इसको बहुत मानते हैं, इस मंदिर को। तो हम अभी उस गांव में जा रहे हैं उस मंदिर की तरफ। तो अभी हम गांव में एंटर करके जैसे जा रहे हैं, तो ये जो एक ऊपर आपको मंदिर दिख रहा है, एक छोटी सी पहाड़ी है, ऊपर मंदिर है हरसिद्धि माता का मंदिर। वो सेम मंदिर नीचे भी है, तो कुछ लोग नीचे से दर्शन करते हैं, या तो फिर आप कुछ 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर भी जा सकते हो और ऊपर भी दर्शन कर सकते हो। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता वाला मंदिर है हर्षिद्धि माता का मंदिर। और ये है हर्षिद्धि माता का मंदिर, यहाँ पे हम जाएंगे दर्शन करेंगे। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। अभी हमने जो मंदिर में दर्शन किए वो यहाँ से ही दर्शन कर लिए। जो नीचे जो मंदिर है, हमने पूछा यहाँ पे कि जो ऊपर है, जो उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है पीछे, लेकिन वो पिछले 2 साल से बंद है। जब से ये कोरोना का सब हुआ है तब से वो मंदिर बंद रखा है। शायद वो थोड़े महीने के बाद उसको भी ओपन कर देंगे। जो पहाड़ी के ऊपर आपको यहाँ से जाना है, वो यहाँ से पूरा एक रास्ता बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये जो है काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाइए यहाँ से, और ऊपर का मंदिर, अभी नीचे का मंदिर ही ओपन हुआ है, हर्षिद्धि माता का मंदिर। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। यहाँ पे कुछ शेल्स से बनी हुई चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं।
ये सब कुछ शेल से बनाया गया है। तो जो हम लोग कोस्टल रूट से आए हैं द्वारका से पोरबंदर, पोरबंदर से आप फर्दर कोस्टल रूट कंटिन्यू करोगे तो आप सोमनाथ दीव उस तरफ जा सकते हो, वो कोस्टल रूट कंटिन्यू हो रहा है। और हम लोग ने थोड़ा सा डिटोर लिया है, हम सोमनाथ दीव वाला रोड नहीं ले रहे हैं, हम दूसरा रोड ले रहे हैं। ये पोरबंदर के पास से कट होगा और अभी हम आउटस्कर्ट्स ऑफ पोरबंदर में है, पोरबंदर बाईपास, पोरबंदर जो महात्मा गांधी बापू का बर्थ प्लेस जन्म स्थान है, तो वो सिटी पोरबंदर अंदर है। और हम बाहर से हाईवे से निकल जाएंगे और हम लोग लेने वाले हैं एक दूसरा रोड, जो नेक्स्ट बड़ा टाउन आएगा वो उपलेटा होगा, धोराजी, उपलेटा धोराजी, और फिर आ गए जेतपुर, ये वाला रूट लेने वाले हैं हम अपनी रिटर्न जर्नी के लिए। तो अब डिपेंड करता है आप लोग कहाँ पे आगे जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप ऑप्शन ले सकते हो, आपको भावनगर सोमनाथ की तरफ जाना है या फिर आपको गोंडल की तरफ उपलेटा गोंडल की तरफ जाना है, जयपुर की तरफ जाना है, तो आप वैसा रूट ले सकते हैं। यहाँ तक द्वारका से यहाँ तक रोड बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्मूथ रोड्स, हाई स्पीड रोड्स, ट्रैफिक भी इतना नहीं है। और 2 साल पहले मैं आया था इसी रूट पे, तब मैंने रूट लिया था पोरबंदर से मैं आगे सोमनाथ गया था, वो रोड भी कोस्टल रूट बहुत अच्छा था सोमनाथ तक, लेकिन सोमनाथ से दीव वो जो पैच है किलोमीटर्स ज़्यादा नहीं है, शायद 80-90 किलोमीटर होंगे सोमनाथ दीव के बीच में, लेकिन वो जो पैच है वो बहुत ख़राब पैच था। ये मैं कोरोना के जस्ट थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूँ, शायद तक अभी भी रोड इतना अच्छा नहीं बना है वो छोटे से स्ट्रेच में, बट बाकी ये सारे रोड बहुत अच्छे हैं और आपको मज़ा आएगा ड्राइविंग करने का, या फिर अगर आप मोटरसाइकिल पर आ रहे हो, अगर आप मोटरसाइकिल पर आ रहे हो तो मैं एक टिप देना चाहूँगा, ये जो पूरा कोस्टल रूट है इस पर क्रॉस विंड्स यानी कि हवा बहुत तेज़ बहती है, बहुत बहुत फोर्स होता है हवा का, तो आप अपने मोटरसाइकिल का बैलेंस बना के रखिए और अगर आप ठीक से उसको पकड़ के रखिए हैंडल बार, अदरवाइज़ आपको इशू आ सकता है, आप अनबैलेंस भी हो सकते हो, इतनी ज़ोर से हवा चलती है इस पूरे। और इसी हवा का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स लगाई गई है और हर जगह कोस्टल लाइन पे विंड मिल्स है टू क्रिएट एनर्जी आउट ऑफ द नेचुरल विंड। बहुत ही भव्य मंदिर है खोडल धाम, जैसे मैंने कहा अब हाईवे से आपको लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर की तरफ आना है, और ये है जेतपुर के बाद वीरपुर से जस्ट पहले, यहाँ से वीरपुर 3-4 किलोमीटर हार्डली होगा तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा। ये मंदिर का लेआउट है, जो कॉम्प्लेक्स है उसका मंदिर है, कैंटीन, टॉयलेट, पानी का प्रसाद, अन्नपूर्णा हॉल, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। हम लोग अब आगे जाते हैं, बहुत बड़े एरिया में काफ़ी बनाया गया है। तो ये है खोडल धाम, मंदिर के अंदर जाएंगे अभी दर्शन करेंगे, शायद अंदर तक कैमरा शायद अलाउ ना करे जब तक चलेगा, मैं आपको, बहुत गर्म है ये सरफेस क्योंकि धूप कड़कती है, तो ज़मीन एकदम गर्म हो चुकी है। ये आप मंदिर में मूर्ति देख सकते हैं माता जी की, हाँ
खोडियार माता जी का मंदिर, जो उनकी मेन मूर्ति थी वो खोडियार माता जी की थी, और अंदर बाकी भी बहुत सारे माता जी के मूर्तियाँ थी, बहुचरा जी माता, रंदल माता, अम्बे माता, बहुत सारी मूर्तियाँ थी। बहुत अंदर से बहुत सुंदर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है बहुत अच्छा बनाया है, और काफ़ी बहुत बड़े एरिया में बनाया है ये मंदिर। उस तरफ वहाँ से हाईवे से मंदिर आए थे, अराउंड 3-4 किलोमीटर हाईवे से मंदिर आए थे, और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी काफ़ी है, जैसे हमने कुछ देखा वहाँ पे कुछ कैंटीन है, रहने की कुछ सुविधाएँ हैं, अच्छा मंदिर बनाया है। अच्छे से फटाफट दर्शन भी हो गए, बाहर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। तो सडन प्लान, एकदम से एक फ्रेंड ने जैसे कहा तो हम आ गए, ऑन द वे था हमारे, तो हमने फिर सोचा के दर्शन कर लेते हैं। बहुत बड़े एरिया में ये पूरा फैला हुआ है मंदिर, खोडल धाम। मेन गेट है, वहाँ से अंदर आना है, पार्किंग वहाँ पे करना है। इस तरह काफ़ी गार्डन्स, अभी धूप है लेकिन हवा अच्छी ठंडी चल रही है, ज़मीन थोड़ी सी गर्म लग रही है, बहुत अच्छी जगह है। खोडल धाम, खोडियार माता का मंदिर, और ये मेन एंट्रेंस, यहाँ से चल के वहाँ पे मंदिर है। ये जो मेन एंट्रेंस है, दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी, धूप तो है काफी। यहाँ पे कुछ स्नैक्स बार और काफी चाय नाश्ते के सब, काफी सारे प्राइवेट स्टॉल्स भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे 2-3 छोटी होटल्स भी दिखी अगर रहने के लिए। मतलब ये अपकमिंग एरिया है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मैंने अंदर पूछा एक आदमी से कितने सालों से है मंदिर, तो उसने बोला 5 साल से बना है, तो काफ़ी रिसेंटली बना है, और बहुत अच्छा दर्शन हो गया हमारा। अभी हम जा रहे हैं वीरपुर, वहाँ वीरपुर में जलाराम बापा की एक मंदिर है जहाँ पे वो बैठते थे, तो उनकी याद में पूरा एक मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर खोडल धाम से हम जो आए हैं वो हार्डली 5-10 मिनट दूर है, और आपको हाईवे से वीरपुर गांव के अंदर जाना है और मंदिर को विजिट करना है। यानी 200 साल मंदिर जो है वो अंदर है, जो वीरपुर जलाराम मंदिर जो है वो अंदर है। अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, सब कुछ जमा करना है आपको। और यहाँ पे सारी दुकानें हैं जो आपको पूजा की सामग्री या फिर कुछ आर्टिकल्स कुछ लेने हैं। तो अंदर जो जलाराम बापा जो बोलते हैं उनका बैठने का था, वो यहाँ पे रहते थे, तो उनकी बोलते हैं ना जो बैठने के जो फुटप्रिंट्स रहते हैं उनकी वो निशानी है पादुका, और वहाँ पे स्वयंभू हनुमान है,
और जलाराम बापा जो चक्की आटा पीसने के लिए जो चक्की यूज़ करते थे और गरीबों को खिलाते थे, वो चक्की भी वहाँ पे रखी हुई है। पीपल का पेड़ जो पुराना है वो है, तो जलाराम बापा के यहाँ पे बहुत मान्यता है, भगवान है, उन्होंने काफ़ी गरीबों की सेवा की है। तो यहाँ पे सुबह और शाम को खिचड़ी कढ़ी का प्रसाद बोलते हैं, वैसे खाना होता है वो, तो वही प्रसाद होता है और वो यहाँ पे होता है। तो आप अगर उस टाइम पे आते हो तो आप वो ले सकते हो, खिचड़ी कढ़ी छाछ वगैरह मिलता है। तो ये छोटी सी मार्केट है, अंदर तो बिल्कुल अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंदर बिल्कुल कैमरा अलाउड नहीं है, बट आप आइए तो जलाराम बापा का दर्शन ज़रूर कीजिए। वीरपुर जलाराम, जलाराम बापा की मूर्तियां हैं अलग अलग। और ये हम शॉप में आए हैं, बहुत सारी भगवान की मूर्तियां दिख रही है आपको, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बनाए हैं। बहुत अच्छी शॉप है, इसमें क्या आप लोग को दिखा रहा हूँ कि अलग अलग मूर्तियाँ हैं, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ भगवान की बनाई है जलाराम बापा। गरीबों की काफ़ी सेवा की थी इन्होंने। रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, तो ये है नेचुरल, ये एकदम नेचुरल है, ये सब पत्थर है, ये एक्चुअली नमक है, ये नमक आप देख सकते हैं, ये सारा नमक है और ये नमक को आप कूट के यूज़ कर सकते हो। और ये है ब्लैक सॉल्ट, ये ब्लैक सॉल्ट के रॉक्स होते हैं, इसको आप चूरा करके पाउडर करके यूज़ कर सकते हो। तो मैं गुज़र रहा था एक जगह से, हाईवे पे काफ़ी सब ऐसे ट्रक्स लगे हुए थे रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट, ये खाने के अलग अलग चीज़ों में जो आप यूज़ करते हो, एकदम नेचुरल। मैंने खा के भी देखा, काफ़ी खा रहा था, तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग रिटर्न जर्नी पे हैं और ये देख रहे हो, ये नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर के ब्रिज पे हैं हम लोग। जाते टाइम रात हो गई थी और अभी हम रिटर्न की जर्नी में दिन है, तो सोचा एक छोटा सा शूट कर लूँ। ये है वो केबल ब्रिज जो आमतौर पर रात को लाइटिंग के साथ रहता है, वो जो नया वाला केबल ब्रिज है, और जिस पे अभी हम जा रहे हैं ये भी पुराना ब्रिज है। और ये है भरूच अंकलेश्वर के बीच, और इस केबल ब्रिज के पीछे की तरफ और अगर आप उस तरफ डायरेक्शन में, वहाँ पे है रेलवे ब्रिज और उस तरफ है भरूच स्टेशन। और अभी हम नर्मदा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, हर हर नर्मदे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाउंटेन सिग्नल, ये जो मुंबई जहाँ से स्टार्ट होता है, सामने एक्सप्रेस इन होटल और फाउंटेन इन आएगा। अभी ये ब्रिज है कि ब्रिज पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, यहाँ से आप सीधे सीधे जाओगे तो मुंबई के अंदर एंटर हो जाओगे। मैं आपको आगे का भी एक सीन दिखाता हूँ। लेफ्ट का रोड थाने जाएगा, ये सामने फाउंटेन होटल और आगे वहाँ पे एक्सप्रेस इन होटल, वो रोड घोड़बंदर जाएगा, घोड़बंदर से आगे थाना, और अभी हम जो सीधा जा रहे हैं वो मुंबई के अंदर एंटर होगा। और आगे जाके आपको थोड़ी देर के बाद मीरा रोड और आगे दहीसर चेकनाका, दहीसर चेकनाका मुंबई का फर्स्ट टोल इस तरफ वाला, वो आपको मिलेगा। तो बस हम थोड़ी देर में अभी अपने घर पहुँच जाएँगे, और बहुत अच्छा ट्रिप रहा।